हेलो फ्रेंड्स, मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। और आज फिर एक नया रेसिपी के साथ आए हैं, और वो क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। आज हम ये करेला का भरुआ बनाएंगे। थोड़ा बड़ा साइज का भी ले सकते हैं, हमें यही मिला है तो हम यही लिए हैं। तो चलिए कैसे इसे काटेंगे आपको दिखाते हैं। देखिए, हम आगे पीछे का दोनों डंठल काट लेंगे और इसमें बीच से कट लगा देंगे, इसके अंदर वाला पार्ट को निकाल सक अच्छी तरह से। तो देखिए, हम चम्मच की सहायता से अंदर वाला पार्ट निकालेंगे अच्छे से। ऐसे ही करके हम अंदर वाला पार्ट को पूरा अच्छी तरह से सफाई कर देंगे। तो देखिए, हम अंदर से पूरा अच्छी तरह से साफ कर दिए हैं। और चलिए ऐसे ही हम पूरा साफ करके तैयार कर लेंगे। अंदर से अच्छी तरह से इसको निकाल लिए हैं, देख सकते हैं निकाल लिए। और मसाला में मेरा क्या क्या पड़ेगा देखिए, सरसों है, थोड़ा सा जीरा है, थोड़ा सा प्याज है और हरा वाला लहसुन लिए हैं। इन सब का पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। करेले को हल्दी और नमक डाल के एक सीटी तक उबाल लेंगे। ये इसे एक सीटी लगा लिए हैं। अब चलिए इसको निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, तेल गर्म हो गया, इसमें हम करेला को फ्राई कर देंगे हल्का हल्का। इसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे इसको करेले को अच्छे से। लो टू मीडियम आंच पे हम इसको अच्छा तरह से फ्राई करेंगे। हम इसको उलट पलट के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ब्राउन हो चुका है, चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। निकाल लिए हैं। अब ये जो तेल मेरा बचा हुआ है, इसी में हम प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए, एक मीडियम साइज का प्याज है, इसको इसी में डाल देंगे और इसको भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। और जो ये मसाला हम तैयार करके रखे थे, इसमें एक टेबल स्पून के करीब हल्दी डाल देंगे। इसको इसी में डाल के भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, इसी में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आइए, मसाला को तब तक हम भूनेंगे जब तक मसाले में मेरा तेल अच्छी तरह से ना छोड़ दे। तो देखिए, मसाला में हम थोड़ी देर तक भून लिए हैं। ये आम का अचार है, इसको भी हम थोड़ा डाल देंगे पानी में घोल के, और इसको भी डाल के अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तरह से भून लिए हैं, अब इसको चलिए निकालते हैं। देखिए, मसाला को हम निकाल लिए हैं, अब इसको थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें पूरा अच्छी तरह से हम अंदर तक भर देंगे। एक तैयार कर लिए हैं, ऐसे ही हम सारे करेले को तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये करेले का भरवा का सब्जी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।